ये कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप आने वाले किसी भी ट्रेन पर चढ़ जाएं, किसी सीनियर से पूछो और जानो कि कोर्ट में कैसे काम किया जाता है, कैसे बोला जाता है, कोर्ट के नियम कायदे क्या हैं। ऐसा कहा डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट में 29 जनवरी को रोजमर्रा की तरह एक के बाद एक केस की सुनवाई चल रही थी, पर दोपहर होते होते कोर्ट रूम का माहौल थोड़ा गर्म हो गया। दोपहर 12 बजे अचानक एक वकील अपनी बारी आने से पहले ही कोर्ट रूम में खड़ा हो गया और बहस करने लगा। वकील ने खड़े होकर कहा कि उसने न्यायिक सुधार के लिए एक PIL दाखिल की है, जिसको वो शीघ्र सुनवाई के लिए मेंशन करना चाहता है। मामला आज के सुनवाई वाली लिस्ट में नहीं है। वकील के इस व्यवहार पर CJI DY चंद्रचूड़ नाराज हो गए और नसीहत देते हुए वकील की क्लास लगा दी। चीफ जस्टिस ने वकील को डांटते हुए कहा, ये कोर्ट रूम है, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप आए और किसी भी ट्रेन में चढ़ जाए। ये पूरा वाक्या जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के सामने हुआ। चीफ जस्टिस से फटकार के बाद वकील ने कहा, वो न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें सुधार चाहता है। इस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस बात को बोर्ड में मेंशन कर सकते हैं, आप वकील हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मेंशन कब और कैसे किया जाता है। और बात यही खत्म नहीं हुई। CJI ने वकील से पूछा कि आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं। इस पर वकील ने कहा कि वह हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो CJI ने फिर पूछा कि क्या आप दिल्ली हाई कोर्ट में इसी तरह बस खड़े होकर याचिका मेंशन कर देते हैं। हालांकि बाद में चीफ जस्टिस ने वकील को सलाह देते हुए कहा कि आप किसी सीनियर एडवोकेट के साथ काम करिए, जो आपको कोर्ट रूम के शिष्टाचार और तौर तरीकों के बारे में सिखाए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब कोर्ट रूम की गरिमा को लेकर चीफ जस्टिस किसी वकील पर नाराज हुए हों। इससे पहले 3 जनवरी को एक मामले की सुनवाई के दौरान जब एक वकील काफी तेज आवाज और धमकी भरे लहजे में बोल रहा था, तो जस्टिस चंद्रचूड़ नाराज हो गए थे। सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने वकील को टोकते हुए कहा, एक सेकंड, अपनी आवाज धीमी करें, आप भारत के सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं, आवाज नीचे करिए, नहीं तो मुझे आपको कोर्ट से बाहर करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ऊंची आवाज में बात करके आप कोर्ट को डरा सकते हैं, तो आप गलत हैं। मेरे 23 साल के करियर में इस तरह से किसी ने मुझसे बात नहीं की और करियर के बचे हुए एक साल में भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चीफ जस्टिस के चेतावनी के बाद वकील ने तुरंत माफी मांगी और विनम्र होकर आगे अपनी बात कोर्ट के सामने रखी। और पिछले साल यानी 2023 में 16 अक्टूबर को भी कोर्ट रूम में एक ऐसा ही वाकया हुआ था, जब चीफ जस्टिस एक वकील पर खूब नाराज हुए थे। 16 अक्टूबर को कोर्ट रूम के अंदर एक वकील की ओर से मोबाइल फोन पर बात करने पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए वकील को फटकार लगाई। और उस दिन भी CJI DY चंद्रचूड़ जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। इस दौरान एक वकील कोर्ट में फोन पर बात करने लगे, जिस पर नाराज होकर CJI ने कार्यवाही बीच में रोक दी और इसके बाद उन्होंने वकील को फटकार लगाते हुए कहा, क्या यह मार्केट है जो आप फोन पर बात कर रहे हैं, इनका मोबाइल ले लो। और चीफ जस्टिस ने अदालत कर्मियों से वकील का मोबाइल जब्त करने का आदेश दिया। CJI चंद्रचूड़ को पहले भी कोर्ट में कई बार इस तरह के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए देखा गया है। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं खबरी लाल TV, मैं हूं आकांक्षा, धन्यवाद।